अभी तक अपन ने ग्रुप को कुछ एग्जांपल से समझने की कोशिश करी थी, अब अपन ग्रुप की थ्योरम्स करते हैं कि जिन चीज़ों को अपने एज ए कहा कि ये आइडेंटिटी आ गई तो सवाल मन में उठता है कि क्या आइडेंटिटी आई आइडेंटिटी एक है क्या दूसरी आइडेंटिटी नहीं हो सकती क्या, हमने क्या एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिवर्स है तो सवाल उठता है मन में क्या इसका यूनिवर्स दूसरा नहीं हो सकता क्या। तो उन चीज़ों को समझने के लिए अपने सबसे पहले जो हम करते हैं कि किसी भी समूह का आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी इज यूनिक, आइडेंटिटी ऑफ ए ग्रुप इज यूनिक। किसी भी ग्रुप की आइडेंटिटी अद्वितीय होती है, इसका अपने प्रूफ देखें। इस ऐसी जितनी भी थ्योरम होती है इनको प्रूफ करने के लिए अपन दो मानने चलते हैं कि माना जी दी गई ऑपरेशन के लिए एक समूह है, समूह है, इसका मतलब ये हुआ कि ग्रुप की जितनी प्रॉपर्टी थी उन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है, क्लोजर, एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी एंड इनवर्स। ऐसा अभी मान के चलेंगे लेट जी बी ए ग्रुप है, दिस इज अ गिवन ऑपरेशन, ए ग्रुप है, तो अब अपने पास एक ग्रुप है जिसमें आइडेंटिटी है। अब हम मान के चलते हैं यदि संभव हो तो ए पॉसिबल लेट ई और ई डैश दो दो तत्समक का अवयव है, यदि पॉसिबल है तो अपने मान लो कि इसके दो तत्समक अवयव है। तो अब अपन क्या करें कि मान लीजिए ई का एलिमेंट है और ई डैश इसकी आइडेंटिटी है, यहां पर जो ई है इसको मैं एलिमेंट है क्योंकि दोनों उसके जी के एलिमेंट है, तो ई एलिमेंट ले लीजिए, ई डैश आइडेंटिटी ले लीजिए, हमारे पास क्या आएगा ई ई डैश विल बी ई किससे आएगा बाय क्लोजर प्रॉपर्टी। ये ध्यान रखना है, ये अपने को लिखनी है E E dash is equal to E कहाँ से आया by closure property। अब again E dash belongs to G, G and E is the identity element of G, हमने यह माना है, इसका मतलब क्या हो गया, this implies E dash E is equal to E dash, E E dash is equal to E and E dash is equal to E dash, यहाँ से दोनों से लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर हो जाएगी, तो फ्रॉम वन एंड टू हमारे पास क्या आ गया E इज इक्वल टू E डैश, इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो अजम्पशन थी दैट अजम्पशन इज रॉन्ग, हमारी अजम्पशन थी कि किसी मान लीजिए कि संभव है तो उस ग्रुप के दो आइडेंटिटी हैं, दो आइडेंटिटी कौन थी E और E डैश, और प्रूव क्या हो गया E और E डैश जिनको हम अलग मान के चल रहे थे वो अलग नहीं होकर के दोनों आपस में क्या है बराबर है, हेंस आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ द ग्रुप इज ऑलवेज यूनिक, यदि कोई ग्रुप है तो उसकी आइडेंटिटी हमेशा यूनिक होती है। अब अपने करेंगे बात इनवर्स की कि इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट इज ऑलवेज यूनिक, किसी अवयव का प्रतिलोम भी यूनिक होता है, जैसे आइडेंटिटी था वैसे ही इनवर्स, इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट इज ऑलवेज यूनिक। प्रतिलोम भी अद्वितीय होता है, मान लीजिए जैसे इसको प्रूफ किया था उसी प्रकार से ही प्रूफ लेट जी बी ए ग्रुप एक समूह है, समूह है इसका मतलब चारों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, क्लोजर भी है, एसोसिएटिविटी भी है, आइडेंटिटी भी है और इनवर्स भी है। तो अब यदि मान लीजिए कि इसमें कम से कम इसमें एक एलिमेंट ए ऐसा है, ए बिलोंग्स टू बी सच दैट, किस प्रकार है कि बी और सी इसके दो इनवर्स हैं, दिस इज आवर अजम्पशन, दिया हुआ नहीं है, ये हमने माना है, लेट ए जी के अंदर कोई ऐसा एलिमेंट है जिसके बी और सी दो इनवर्स हैं, यदि इसके दो इनवर्स हैं, इनवर्स का मतलब क्या हुआ, इसको मैं ऐसे कहता हूं कि ए इनवर्स इज इक्वल टू बी एंड ए इनवर्स इज इक्वल टू सी। अब इनवर्स है इसका मतलब क्या हुआ, एलिमेंट के साथ इनवर्स, तो उसका आंसर कितना आना चाहिए, आइडेंटिटी आना चाहिए कि B है वो A का इनवर्स है, इसका मतलब क्या हो गया A को B से गुणा किया तो आइडेंटिटी आएगा, B को A से करेंगे तो भी आएगा, एक तो ये हो गया।
सी है तो अपने पास कितना हो जाएगा ए सी, क्योंकि एलिमेंट को उसके इनवर्स से गुणा करें तो हमारे पास आंसर आइडेंटिटी आना चाहिए। अब अपने को दोनों चीजें दे रखी है, अब अपन यहां से लेके चले कि बी ए इज इक्वल टू, बी ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी, बी ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी। अब इक्वेशन टू से आइडेंटिटी का मान क्या है वो अपन सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, या अपने देखें इसको दोनों तरफ सी से गुणा कर देंगे तो बी ए इंटू सी इज इक्वल टू बी इंटू सी। अब डी ए का मान कितना है ए बी, या यहां पर एसोसिएटिविटी लगा देना अपने पास क्या आ जाएगा बी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू ई सी कहें या सी कहें। अब ए सी का मान कितना आ गया इस इक्वेशन से ई, तो ये कितना गया बी इंटू ई इज इक्वल टू सी, ई आइडेंटिटी है तो मेरे पास क्या हो गया बी इज इक्वल टू सी, जिनको दो अलग अलग एलिमेंट माने थे वो क्या आ गया मेरे पास एक एलिमेंट आ गया। इसको एक बार वापस इसको समझिए क्योंकि तो इसमें हम कई बार गलती कर देते हैं कि मान लीजिए जी ग्रुप है ये अपने को दिया हुआ है, जी का कोई एक एलिमेंट है ए, और यदि संभव हो तो मैं यदि भी इंफेसिस कर रहा हूँ दिया हुआ नहीं है, यदि इफ पॉसिबल तो लेट्स बी एंड सी आर टू इट्स इनवर्सेस, ए के दो इनवर्स हैं, एक है बी और एक है सी, यदि दोनों इनवर्स है तो क्या होगा ए के साथ बी को गुणा करेंगे मेरे पास आइडेंटिटी आएगी, बी को ए के राइट साइड में गुणा करेंगे तो मेरे पास आइडेंटिटी आएगी, ऐसे ही चूंकि सी इनवर्स है तो ए सी भी ए ई होगा और सी ए भी ई होगा, ये दो इक्वेशन हमारे पास सेटिस्फाई होगी। अब चूंकि यहां से ले लीजिए बी ए इज इक्वल टू ई, ए बी इज इक्वल टू ई कैसे भी लेके प्रारंभ कर सकते हैं, ध्यान रखना है सी से गुणा हमें किस तरफ करना है, यदि हम बी ए बराबर ई लेके चलते हैं तो दोनों के राइट साइड में, क्योंकि इस ग्रुप थ्योरी को पढ़ते समय गुणा जिधर करते हैं दोनों को उसी तरफ से ही करना है, अनलेस एंड अदरवाइज इट इज कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव दिया हो तो हम कैसे भी चल सकते हैं, अदरवाइज एक जैसा काम करना है, तो इसके राइट साइड में गुणा कर दिस इज बी ए सी इज इक्वल टू ई सी, ई आइडेंटिटी इसका मान सी हो जाएगा। अब चूंकि ए बी सी तीनों जी के एलिमेंट है और जी ग्रुप है, जी ग्रुप है तो एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड, तो एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा दिस विल बी इक्वल टू बी इनटू एसी, और चूंकि सी है वो ए का इनवर्स है तो एसी का मान क्या हो जाएगा आइडेंटिटी, आइडेंटिटी इज ई, तो ये हो जाएगा बी ई इज इक्वल टू सी, और ई आइडेंटिटी है तो बी को गुणा करेंगे आइडेंटिटी से तो अगेन वी विल गेट बी, तो हमारे पास क्या आ गया बी इज इक्वल टू सी। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास किसी भी एलिमेंट का यदि इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो इनवर्स भी यूनिक होता है। अब इसके बाद अपन दो थ्योरम और करते हैं, इसी का एक पार्ट करते हैं कि इफ जी इज ए ग्रुप फॉर ए बी बिलोंग्स टू जी, इन्हीं के एप्लीकेशन करेंगे। नेक्स्ट थ्योरम है लेट ए बिलोंग्स टू जी, बी बिलोंग्स टू जी एंड जी इज ए ग्रुप, ये दिया हुआ है तो प्रूव करना है अपन को इनवर्स का इनवर्स है वो स्वयं एलिमेंट होता है, इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट इज ए, और यदि अपने पास दो एलिमेंट है जिनका गुणा हमने किया ए बी इनवर्स, बी ए है बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स, इन दोनों का अपन प्रूव करते हैं, समझने की कोशिश करें। दिया हुआ क्या है जी एक ग्रुप है जिसके कोई दो एलिमेंट है ए और बी, तो प्रूव करना हमारे को इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट इज अगेन द सेम एलिमेंट, यानी दो बार यदि इनवर्स ले तो वापस खुद एलिमेंट प्राप्त हो जाता है, और उसी प्रकार से अपन ये कहें अपने क्या दे रखा है लेट प्रूफ में लेट जी बी ग्रुप, जी एक समूह है और ए इसका कोई एलिमेंट है, ए इसका एलिमेंट है जी ग्रुप है, इसका क्या होगा ए का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, अब ए का इनवर्स करेगा तो अपने पास क्या आ जाएगा ए ए इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी, और इनवर्स ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी, इसका मतलब क्या होगा क्योंकि जब ए बिलोंग टू जी इज एन एलिमेंट इनवर्स भी जी का एलिमेंट है, तो अब इसको दूसरे प्रकार से कभी लिखना ही है कि ए जैसे मेरे पास क्या है ए इनवर्स ए इज इक्वल टू ई, इसका मतलब हुआ कि ये तो एलिमेंट है और ये इनवर्स है, इसका मतलब क्या होगा दिस इंप्लाइज इनवर्स ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू ए,
और मैथमेटिक्स को लिखते हैं तो ये हो जाएगा इनवर्स ऑफ इनवर्स इक्वल टू ए, और ये अपन प्रूव करना था। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था लेकिन केवल एक्सप्रेशन की बात है, बाद में अपने काम आएगा जब इनवर्स का इनवर्स करेंगे तो इट विल बी द सेम एलिमेंट। एक अगला जो पार्ट है उसको करने के लिए अपन देखें, अपने क्या दे रखा है, ए और बी इसके एलिमेंट है और ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। अब इसको करने के लिए अपने पास ये हो गया कि ए बिलोंग्स टू जी, ए बिलोंग्स टू जी, बी बिलोंग्स टू जी, बाई क्लोजर प्रॉपर्टी ए बी ऑल्सो बिलोंग्स टू जी। अब जी ग्रुप है तो दिस अप्लाई, ए इनवर्स ऑल्सो बिलोंग्स टू जी, बी इसका एलिमेंट है, बी इनवर्स ऑल्सो बिलोंग्स टू जी। अब चूंकि ए भी बिलोंग्स टू जी हो गया तो नाउ दिस इज वन एलिमेंट, तो अब इसका मतलब है ए बी का इनवर्स है, ये भी जी के अंदर है। जो सारी बातें अपने जैसे बोली थी वैसे वैसे उनको केवल लिखा और कुछ भी नहीं किया है। अपने को प्रूव क्या करना है, अपने को प्रूव करना है कि ए बी जो एलिमेंट है उसका इनवर्स है कितना आएगा, तो वो अपन किस प्रकार से करें। अब अपने को दिया हुआ है कि ए बी, ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स, ये अपने को प्रूव करना है। इसको प्रूव करने के लिए अपने पास जो दे रखा है उसमें अपन ले लें। अब अपने इसको शुरुआत इस प्रकार से करें कि ए बी इंटू बी इनवर्स ए इनवर्स, तो ए बिलोंग्स टू जी, बी बिलोंग्स टू जी, बी इनवर्स बिलोंग्स टू जी, ए इनवर्स बिलोंग्स टू जी, बाई क्लोजर प्रॉपर्टी बी इनवर्स ए इनवर्स बिलोंग्स टू जी। तो दिस इज सिंगल एलिमेंट और इसको अपन लिख सकते हैं बी बी इनवर्स ए इनवर्स बाई एसोसिएटिविटी, और जब एसोसिएटिविटी से अपन इसको इतना लिखते हैं तो अपने पास दिस का मीटर है बी बी इनवर्स ए इनवर्स, बी बी इनवर्स इज ई ए इनवर्स, दिस इज ए ए इनवर्स एंड ए ए इनवर्स इज ई। अपने को ए बी को बी इनवर्स ए इनवर्स से गुणा किया अपने पास क्या आ गया, आइडेंटिटी आ गया। अब इसी प्रकार से अपन यदि देखें कि अपने पास B इनवर्स A इनवर्स को AB से गुणा करें तो अपने पास कितना आएगा, इसको रिवर्स ले लें, B इनवर्स A इनवर्स AB, इसको सिंपलीफाई करें तो ये अपने पास हो जाएगा B इनवर्स A इनवर्स A इनटू B अगेन बाय एसोसिएटिविटी। और अब ये होगा आइडेंटिटी से, क्योंकि A का इनवर्स A है तो दिस इज आइडेंटिटी, आइडेंटिटी से गुणा करेंगे तो विल गेट द सेम एलिमेंट, b inverse into b and b b inverse is equal to e। इसका मतलब अपने पास क्या आया, ab को b inverse a inverse से गुणा किया, आंसर क्या है आइडेंटिटी, b inverse a inverse को ab से गुणा किया आंसर क्या है आइडेंटिटी। इसका मतलब क्या हुआ, ab को इससे गुणा करते हैं उत्तर आता है, इसका मतलब ये हुआ कि ab का ये इनवर्स है, क्योंकि लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों मैंने प्रूव किया। दिस इंप्लाइज ए बी का इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स, यानी किसी एलिमेंट का इनवर्स निकालना हो तो उसको अपन देखेंगे किस प्रकार से आएगा। एक बार इसको वापस एक्सप्लेन करता हूं, ए बिलोंग्स टू जी, बी बिलोंग्स टू जी, जी ग्रुप है तो ए और बी का गुणा भी जी में होगा बाय क्लोजर प्रॉपर्टी, दिस इंप्लाइज ए बी बिलोंग्स टू जी। नाउ ए बी इज अ सिंगल एलिमेंट, अब हमें प्रूव यह करना है कि यदि मुझे ए बी का इनवर्स निकालना है तो ये इसके बराबर आएगा, किसके, ए बी का होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। अब इसका मतलब क्या हुआ, अपन इसको यूं कहते हैं तो इनवर्स ऑफ ए बी इज बी इनवर्स ए इनवर्स, इसका मतलब क्या है, ये एक एलिमेंट है और ये दूसरा एलिमेंट है, ये इसका इनवर्स होगा यदि इन दोनों का गुणा आइडेंटिटी आ जाए। यही प्रूव किया है अपने, ये एक एलिमेंट ये दूसरा एलिमेंट, और इसका प्रूव किसके बराबर किया, आइडेंटिटी के कहां से आया, ए बी बी इनवर्स ए इनवर्स इज इक्वल टू बाय एसोसिएटिविटी, को सब ग्रुप के एलिमेंट है ए बी बी इनवर्स ए इनवर्स। अब ये अपने पास हो गए ए बी बी इनवर्स ए इनवर्स, बी बी इनवर्स इज आइडेंटिटी, ए ई ए इनवर्स, ए को ई से गुणा करेंगे बीइंग ई आइडेंटिटी ए ई विल बी ए, तो ये हो गया ए ए इनवर्स, और ए का इनवर्स ए इनवर्स है इसलिए ए ए इनवर्स इज नथिंग बट आइडेंटिटी। अब चूंकि
इसको हमने राइट साइड में गुणा किया था, लेफ्ट में गुणा करके देखते हैं। तो यदि मेरे पास b इनवर्स a इनवर्स इनटू a भी करें तो बाय एसोसिएटिविटी b इनवर्स a इनवर्स a इनटू b a इनवर्स a की आइडेंटिटी, आइडेंटिटी को b से गुणा किया, अगेन b, b इनवर्स b इज अगेन आइडेंटिटी। तो चाहे b इनवर्स a इनवर्स को मैं राइट में गुणा करता हूं चाहे लेफ्ट में गुणा करता हूं, आंसर मेरे पास आइडेंटिटी आता है। इसका मतलब क्या होगा कि जो ये एलिमेंट है इस एलिमेंट का इनवर्स कौन है, ये है। इसको मैथमेटिकली लिखिए तो अपने पास ये हो जाएगा ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। इसलिए यदि ग्रुप के एलिमेंट्स हैं उसको ध्यान रखना है कि अपने को यदि एक से अधिक एलिमेंट्स के गुणा का इनवर्स निकालना है तो उनका इनवर्स के रिवर्स का बराबर आएगा कि ए बी जो बाद का एलिमेंट है उसका इनवर्स पहले गुणा होगा और जो पहले एलिमेंट है उसका इनवर्स बाद में होगा। इस प्रकार से अपन ने इस लेक्चर में तीन चीजें करी है। एक तो है कि आइडेंटिटी एलिमेंट इज ऑलवेज यूनिक, इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट इज ऑलवेज यूनिक इफ दे आर एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप, और दूसरा है इनवर्स का इनवर्स वो एलिमेंट खुद हो जाता है, और तीसरा रहा है अपने पास ए बी दो एलिमेंट के गुणा का इनवर्स ले तो वो उन दोनों के अलग अलग इनवर्स के रिवर्स ऑर्डर में गुणा के बराबर होगा।